लोग लगभग लगभग 35 साल से सब नीचे के ही होंगे और युवाओं के अंदर संविधान को लेकर जोश है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि जो अनंत कुमार आकड़े जी ने जो ये बयान पार्लियामेंट में जो दिया है और जो सत्ता के लोग जो विपक्ष में जो लोग बैठ के जो राजनीति या रोटियां जो सेकते हैं, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। माननीय प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करता था, कुछ दिन पहले बोलता था कि अगर दलितों पर अगर अत्याचार होता है तो मेरी गर्दन काट लीजिए आए। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तू देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हमारा दलित है, तो आपको इतनी शर्म आनी चाहिए जो पूरे संविधान के खिलाफ अगर ये ऐसी टिप्पणी करता है तो इसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा भी आपने करवाना चाहिए और FIR भी जो है आपने करवानी चाहिए, तब आपको देश का प्रधानमंत्री ये संविधान के लोग आपको मानेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री हो। नहीं तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप संविधान के खिलवाड़ करने वाले सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री हो, जो देश के प्रधानमंत्री आप जब से हमारा देश आजाद हुआ है सबसे बड़े विरोधी, संविधान का खिलवाड़ करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री आप हो नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना, आपका नाम? मेरा नाम हरपाल सिंह मेहरा नाम है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी, अगर मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आपका इतना विश्वास पात्र आनंद कुमार हाकड़े जी अगर आपका MP है तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अगर ये संविधान के खिलाफ अगर बोलता है और आप संविधान के खिलाफ अगर कोई आप इसके ऊपर टिप्पणी नहीं लेते हैं तो मैं खुला ऐलान और खुला चैलेंज करता हूं, आप इनको 2019 में मेरे से मुकाबला करा के दिखा दीजिए, इसको संविधान के लोग बता देंगे कि संविधान में कितनी ताकत है। हरपाल सिंह जी, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान के तहत जीत कर आते हैं, अभी उनकी किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मेरा मानना यह है कि जो हमारे दलित समाज के जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, चाहे वो उतीजराज जी हो चाहे वो अठावले जी हो, मैं सबको बारी बारी से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरे दलित समाज के लोगों, अन्य स्टेट की विधानसभाओं में भी विधानसभा के प्रति घरों से बाहर निकलो और पार्लियामेंट को आज की डेट में ही भंग करी जाए। अगर दो देश की पार्लियामेंट को आज ही भंग करे गया वही देश के विधानसभा का पात्र इंसान होगा, उसको भारी से भारी तादाद की संख्या में लोकसभा पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। मेरा यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जो आज हमारी पार्लियामेंट में जो आवाज उठाएगा, संविधान के प्रति आवाज उठाएगा, वह किसी भी पार्टी का नेता हो, हम उसको भारी से भारी विजय से पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमारी पार्टी विधानसभा को बचा सकती है, एक बहन मायावती जी जो हमारी नाते में हमारी बहन मायावती जी जो है जो आज बहन मायावती जी जो हमारे संविधान को बाहर निकली हुई है, हमने एक आवाज दी है 2019 में चट गुंडों की छाती पर 2000